स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मेरा देश मेरा प्रदेश और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। मैं हूं अभिषेक कात्यायन। रुख करेंगे खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में मंत्रालय का बंटवारा हो गया है। राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया है। पिछली सरकार में भी वो रक्षा मंत्री ही थे। निर्मला सीतारमण भी दोबारा से वित्त मंत्री बनाई गई हैं। अमित शाह भी लगातार दूसरी बार देश के गृह मंत्री बने हैं। अश्विनी वैष्णव को दो दो बड़े मंत्रालय मिले हैं। पहले वो सिर्फ रेल मंत्री थे, लेकिन इस बार रेल मंत्रालय के साथ साथ उन्हें सूचना प्रसारण मंत्री भी बनाया गया है। नितिन गडकरी लगातार तीसरी बार मोदी सरकार में सड़क परिवहन मंत्री की जिम्मेदारी निभाते हुए दिखेंगे और एस जयशंकर को विदेश मंत्री बनाया गया है। शिवराज सिंह चौहान केंद्र सरकार में अपनी पहली पारी खेल रहे हैं, उन्हें कृषि मंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही ग्रामीण विकास मंत्रालय भी वो संभालेंगे। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल को ऊर्जा मंत्री बनाया गया है, उन्हें आवास और शहरी विकास मंत्रालय भी दिया गया है। मनसुख मांडविया को खेल और श्रम मंत्री बनाया गया है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में बिहार और झारखंड को किस विभाग की जिम्मेदारी मिली है, अब ये भी बताते हैं। गिरिराज सिंह को मिला है कपड़ा मंत्रालय, ललन सिंह को मिला है पंचायती राज विभाग, जीतन राम मांझी को लघु उद्योग मंत्रालय, नित्यानंद राय बने हैं गृह राज्य मंत्री, चिराग पासवान बने हैं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री और सतीश चंद्र दुबे बने हैं कोयला राज्य मंत्री, राजभूषण निषाद बने हैं जल शक्ति राज्य मंत्री, रामनाथ ठाकुर बने हैं कृषि राज्य मंत्री और अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सौंपा गया है। संजय सेठ बने हैं रक्षा राज्य मंत्री। और मंत्रिमंडल बंटवारे के बाद चिराग पासवान ने क्या कहा वो सुनते हैं। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी जिम्मेदारी मुझे दी गई है और ये एक ऐसे विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी गई है जिसकी चर्चा मैंने मेरे विजन डॉक्यूमेंट में हमेशा की थी। मैंने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में जो मेरा विजन है उसमें मैंने हमेशा इस बात का मैंने जिक्र किया था कि प्रोसेसिंग यूनिट्स जब तक हमारे प्रदेश में नहीं लगेंगे, खैर अब तो खैर देश भर की ये बात है, देश भर में जब तक नहीं लगेंगे तब तक हम लोग सही मायनों में जो उत्पादन हमारे किसान करते हैं उसकी सही कीमत उनको नहीं मिलेगी। अब आपको सुनाते हैं मोदी मंत्रिमंडल में बंटवारे के बाद बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने क्या कहा है। और जिस हिसाब से विभागों का जो बंटवारा हुआ, हालांकि ये तो प्रधानमंत्री का है क्योंकि किसको क्या विभाग देते हैं, काम किसी भी विभाग में होना चाहिए, लेकिन जो बिहार के वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया तो कहीं ना कहीं से झुनझुना जो है थमाया गया।